everyone, good morning. Today is our 21st day of 35 days weight loss challenge. So that means only few days are left और बहुत जल्दी you are going to see amazing results and अब तक जो result आए हैं that is also amazing. मतलब देख के खुशी हो जाती है कि जिस तरीके से आपको dedication और hard work आप लगे हुए हैं. Wow, keep it up and all the best to all of you. Keep doing that and don't give up. Remember that why did you start it? Give up करने से पहले एक बार सोच लेना कि अब तक आपने इतनी मेहनत की, अब गिव अप नहीं करना है और आगे भी हमें इसी तरीके से चलते रहना है. और जब एक बार हम अपना टारगेटेड वेट अचीव कर लेंगे उसको मेंटेन रखने के लिए भी हम वर्कआउट करते रहेंगे. ठीक है, तो वर्कआउट आपका रहेगा 3 or 4 days इन अ वीक और उसके बाद आप चीट मील भी सेलिब्रेट कर सकते हैं. यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स वंस इन अ वाइल. सो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट होकर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, बट अभी का जो वक्त है, अभी ये जो जर्नी चल रही है, आपको इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा. थोड़ी सी तकलीफ होगी बट रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा. सो रिजल्ट पाने के लिए यू हैव टू डू हार्ड वर्क. थोड़ा सा तो पेन उठाना पड़ेगा एंड इट्स वर्थी, ट्रस्ट मी, इट्स वर्थी टू हैव ऑल द पेन. सो कीप डूइंग हार्ड वर्क, डोंट गिव अप. ऑलराइट देन, सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठते वी हैव टू टेक द सेम ड्रिंक, एप्पल साइडर विनेगर, एम्प्टी स्टमक 1 tablespoon विथ लिक्विड वाटर. जिनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है दे विल टेक इट विद वार्म वाटर. ओके, उसके बाद आप फ्रेश होंगे एंड जो ब्रेकफास्ट आपका रहेगा वो 9 से 9:30 के बीच में हो जाना चाहिए. एंड जो ब्रेकफास्ट है आज का दैट इज दलिया. सो दलिया आप लेंगे आराम से 1 big size कटोरी ऑफ दलिया. मैं आपको दिखा देती हूँ, हियर इट इज दलिया. सो इसमें मैंने तो सिर्फ गाजर मिक्स किया क्योंकि ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था अभी मेरे पास. बट आप ऐड करेंगे खूब सारी ग्रीन वेजीज, आपको जो भी वेजीज पसंद है और जो भी विंटर्स में अभी स्पेशली अवेलेबल हैं, फ्रेश आती हैं, वो सब ऐड करके आपको दलिया बनाना है. और जब दलिया आप बनाएंगे तो यू कैन कंज्यूम 1 teaspoon घी और ऑलिव ऑयल. इट्स बेटर गो फॉर घी, घी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. तो आप घी कंज्यूम करें और ऑलिव ऑयल तो हमारे दिन में हो ही जाएगा. ओके, सो एंजॉय करो अपना ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट के बाद आपको करना है 20 minutes वॉक एंड 3 liter लिक्विड वाटर भी आपको लेना है. सो वो भी मत भूलना. तो ब्रेकफास्ट के बाद आपको करना है वॉक. आप वॉक करेंगे फॉर 20 minutes. 20 minutes घर पे रह के आराम से 20 minutes हो जाते हैं, या कुछ अपने काम में लग गए, किसी से फोन में बात कर ली, तो 20 minutes तो आराम से हो जाएंगे. और इंटेंस वॉक आपको नहीं करनी है, वॉक जो रहेगी वो स्लो वॉक रहेगी. टू कंप्लीट 10,000 steps इन अ डे. ओके, एंड इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ देन मिड मॉर्निंग स्नैक में. एंजॉय करो ब्रेकफास्ट और जितना एंजॉय करोगे उतना अच्छा रिजल्ट देखोगे. ओके, सो बाय बाय, आई सी यू वेरी सून. हाय एवरीवन, वेलकम बैक. नाउ इट्स टाइम फॉर मिड मॉर्निंग स्नैक. और मिड मॉर्निंग स्नैक में आज लेंगे हम 1 apple and 2 walnuts. आपको ये दोनों चीजें लेनी है आज मिड मॉर्निंग स्नैक में. आपको मिड मॉर्निंग स्नैक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. और मैंने जो इवनिंग स्नैक लिया है वो भी आपको स्किप नहीं करना, आपको लेना ही है किसी भी हाल में, टू अवॉइड ओवर ईटिंग इन लंच और इन डिनर. सो यू हैव टू टेक बोथ स्नैक्स, मिड मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्नैक. ओके, सो एंजॉय करो. और इसके साथ इफ यू वॉन्ट टू टेक ग्रीन टी बट विदाउट शुगर तो यू कैन गो फॉर इट, बट नो जैगरी विद ग्रीन टी. जैगरी विल टेक विद मिल्क टी. एंड ब्रेकफास्ट के बाद दैट मीन्स दलिया के बाद, वो लोग जो बहुत ज्यादा टी लवर हैं, कॉफी लवर हैं, तो यू कैन टेक दैट ऑल्सो, मिल्क टी और ब्लैक कॉफी, दोनों में से कोई भी एक बट विदाउट शुगर. जैगरी आप ले सकते हैं बट शुगर आपको नहीं लेना है. सो गो फॉर इट, एंजॉय योर मिड मॉर्निंग स्नैक एंड इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ लंच के टाइम. बाय बाय, सी यू वेरी सून. हाय एवरीवन, वेलकम बैक. नाउ इट्स टाइम फॉर लंच. लंच जो आपका रहेगा 1 से 2 बजे के बीच में आपको ले लेना है, उसके बाद नहीं लेंगे. 2 बजे तक आपको अपना लंच ले लेना है. और आज जो लंच में रहेगा वो रहेगा ब्लैक सोयाबीन, जिसे हम भटकी दाल कहते हैं. और मैं आपको ऑलरेडी रेसिपी बना के दिखा चुकी हूँ कि भटकी चुड़कानी कैसे बनानी है, उसी तरीके से आप बनाएंगे. एंड इफ यू डोंट वांट टू यू नो फ्राई दैट ब्लैक सोयाबीन, यू कैन जस्ट रोस्ट दैट एंड उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा. तो वैसे भी बना सकते हैं आप. हियर इज दिस सेकेंड ऑप्शन, यू हैव टू रोस्ट दिस ब्लैक सोयाबीन. जस्ट मेक श्योर वेन यू आर रोस्टिंग इट, आपको बिल्कुल लो फ्लेम में इसको रोस्ट करना है एंड इट विल टेक हार्डली 5 minutes. सो कीप डूइंग लाइक दिस. हियर आई एम क्लोथ, सो यू हैव टू डू लाइक दिस.
ठीक है, तो इसके साथ आज आप लेंगे 50 ग्राम राइस, क्योंकि अब हमारा थर्ड वीक वर्कआउट, थर्ड वीक का जो हिट वर्कआउट है इज अबाउट टू फिनिश। कल से हमारा फोर्थ वीक का वर्कआउट शुरू होगा। जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू डू फोर्थ वीक हिट वर्कआउट फ्रॉम टुमारो। आज लास्ट डे है थर्ड वीक का, और राइस जो रहेगा आज थोड़ा सा क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि वर्कआउट भी हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, स्टैमिना भी बढ़ रहा है, बट डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से आज हम लेंगे राइस अराउंड 50 ग्राम, 50 to 60 ग्राम आपको राइस लेना है। अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू टेक रोटी देन यू कैन हैव 2 रोटी विदाउट घी आप ले सकते हैं, बट विदाउट घी प्लीज मेक श्योर घी नहीं लेंगे आप लंच में। ब्रेकफास्ट में हम ले रहे हैं बस, लंच में हमें नहीं लेना है घी, ठीक है। तो आप इंजॉय कीजिए भटकी चुड़कानी और ब्लैक सोयाबीन दाल विद दैट 60 ग्राम राइस और 2 चपाती। ऑलराइट देन, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग स्नैक में। बाय बाय, सी यू वेरी सून, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉक फॉर 20 मिनट्स आफ्टर लंच। यू हैव टू ट्रैक 10,000 स्टेप्स, मोर देन 10,000 स्टेप्स, बट व्हेन यू विल वॉक, वॉक स्लोली, नॉट इंटेंस वॉक, ओके। ऑलराइट देन, बाय बाय, सी यू वेरी सून। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर इवनिंग स्नैक। तो इवनिंग स्नैक लेने से पहले आई होप कि आपने अब तक 10 से 11 ग्लास लिक्वॉर्म वाटर ले चुके होंगे। ये पानी आपको सिर्फ लिक्वॉर्म लेना है, मेक श्योर अबाउट दैट, ओनली लिक्वॉर्म। ठंडा पानी आप बिल्कुल नहीं पियेंगे, वैसे भी बहुत ठंडी है, इट्स बेटर टू हैव लिक्वॉर्म वाटर इन विंटर्स। सो जितना हो सके ट्राई कीजिए कि सनसेट होने से पहले पहले अपना जो टारगेटेड वाटर इनटेक है वो आप सनसेट से पहले पहले कर लें। सो आज का जो हमारा इवनिंग स्नैक रहेगा वो रहेगा टंटना, ग्रीन टी तो रहती ही है, बट एक ग्रीन टी आपको लेनी है विदाउट शुगर, विदाउट जैगरी, नथिंग, आपको एज इट इज लेना है। और इसके साथ वी आर गोइंग टू हैव 2 सोजी टोस्ट। सो ये आपको लेना है आज 2 सोजी टोस्ट, और कोई और टोस्ट आप नहीं लेंगे, नो अदर टोस्ट, आपको यही टोस्ट लेना है। एक बार मैं दिखा देती हूँ व्हाट आई एम यूजिंग, जो मुझे अभी यहाँ अवेलेबल था, दिस वन सूजी टोस्ट, ओके। तो आपको सूजी टोस्ट ही लेना, उसके अलावा आप कोई भी टोस्ट नहीं लेंगे। और ये डाइट प्लान है, आप सभी को पता है, और जो आज पहली बार मेरा चैनल या ये वीडियो देख रहे हैं चैनल पे, उनको मैं ये बता दूं दैट आई रिड्यूस 25 kgs विद इन 3 मंथ्स। इनफैक्ट ये जो मेरी वेट लॉस जर्नी थी, आई स्टार्टेड इन 2018, दिसंबर 2018, एंड विद इन 3 मंथ्स आई अचीव माई टारगेटेड वेट। सो आज है 2021 एंड आई हैव मेंटेन्ड माई वेट। सो इतना ईयर का एक्सपीरियंस है, एंड जो डाइट मैंने फॉलो की थी, जो वर्कआउट मैंने किया था, मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यही सब मैं आपको बताती हूँ, एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन माय वेट लॉस जर्नी, मैं ये डाइट नहीं फॉलो कर रही हूँ, बट आई डू शो यू मैं भी ये डाइट ले रही हूँ, प्लस आई कीप हैविंग अदर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज मेरा जो वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है। अराउंड 800 कैलोरीज आई बर्न एवरी डे, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल दैट आई कॉन्ट सर्वाइव विदाउट वर्कआउट। वर्कआउट मेरा रहता ही है, एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक मैं करती ही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बिजी होगी किसी वजह से, सो तब ओनली मेरा स्किप होता है वर्कआउट, अदरवाइज आई कीप डूइंग। मेरा वर्कआउट इज लाइक एवरी डेज रूटीन, सो वर्कआउट मैं करती हूँ, दैट्स वाई आई कीप ईटिंग अदर थिंग्स ऑल्सो। और अगर मैं इस डाइट पर आ जाऊँ अब, तो आई गो अंडर वेट, मैं अंडर वेट वाली जो कैटेगरी होती है उसमें चले जाऊंगी, दैट्स वाई आई एम नॉट फॉलोइंग इट। बट येस, मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एक क्लैरिटी हो डाइट को लेके, कितना क्वांटिटी लेना है, किस तरीके से लेना है, किस वक्त लेना है। सो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो फॉलोइंग इट, बट प्लस आई कीप ईटिंग अदर थिंग्स ऑल्सो। और क्वांटिटी जो मैं लेती हूँ ज़्यादा लेती हूँ, आप लोगों को नहीं लेना है, बिकॉज यू आर इन योर वेट लॉस जर्नी। मेक श्योर अबाउट दैट कि क्वांटिटी का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट, आपका वेट रिडक्शन में बहुत हेल्प करती है। आप कोई भी चीज़ लें बट क्वांटिटी में लेंगे तो ही आप जाके वेट रिडक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज वेट रिडक्शन नहीं होगा। आप कितना भी हेल्दी खाना खा रहे हैं, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा है तो आप भूल जाइए कि वेट रिडक्शन कभी हो पाएगा, ओके। सो इन्जॉय योर ग्रीन टी, इन्जॉय योर इवनिंग स्नैक, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ डिनर में, ओके। देन बाय बाय, सी यू वेरी सून। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। अभी टाइम हो रहा है 6:30, और 6:30 बजे लेते हैं हम अपना डिनर, डेट मीन्स 7 बजे से पहले पहले हमको लेना है अपना डिनर।
तो आज, ओ माय गॉड, इट्स चिलिंग आउट है, बहुत ठंड है, बट गाइस हैट्स ऑफ यू, आप जिस तरीके से लगे हुए हैं अपना वेट रिडक्शन के लिए, वर्कआउट डाइट इसी तरीके से आपको चलना है, और जिसने अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो ठंड को छोड़िए और अपना वेट के बारे में सोचिए, जिस हिसाब से आपका वेट बढ़ रहा है और ये बढ़ते ही जाएगा, अब नहीं करोगे कम तो कब करोगे? ओके, सो नाउ इट्स हाई टाइम, गो फॉर इट, यू कैन रिड्यूस, यू कैन कम डाउन टू 80 to 60, सो थिंक अबाउट इट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव योर टारगेटेड वेट, बस आपको थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, और मोटिवेशन के लिए हेयर आई एम, मैं आपको मोटिवेट करती रहूंगी ऑलवेज, इवन आफ्टर 35 days ऑफ वेट लॉस चैलेंज, उसके बाद भी आई कीप अपलोडिंग वीडियो, और उसमें भी मैं आपको मोटिवेट करती रहूंगी, सपोर्ट करती रहूंगी, जस्ट लाइक यू डू, आपका भी सपोर्ट चाहिए मुझे, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, एंड थैंक यू सो मच, जिस तरीके से थ्रू आउट आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आज का जो डिनर रहेगा, दिस इज पपाया, और पपाया को यहाँ पे ऊपर से आप स्प्रिंकल करेंगे चिया सीड, चिया सीड्स आपको लेना है 1 टेबल स्पून, ओके, तो 1 टेबल स्पून चिया सीड आप स्प्रिंकल करेंगे, और ये जो पपाया है अराउंड 250 ग्राम है, 250 ग्राम तक आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा ना ले इट्स बेटर, एंड बिल्कुल भी सॉल्ट स्प्रिंकल नहीं करेंगे, दिस वुड बी योर डिनर टुडे, सो इंजॉय करो, खुश रहो, और इसके बाद थोड़ी देर वॉक करो, एंड उसके बाद जो आप करना चाहते हो वो करो, इफ यू वॉन्ट टू वॉच मूवी इन नेटफ्लिक्स गो एंड वॉच दैट, बट प्लीज थोड़ा वॉक जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया है 20 मिनट्स वॉक आफ्टर एवरी मील, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन वेट रिडक्शन, इट रियली डज, ओके, सो गो फॉर इट एंड इंजॉय, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कल, बाय बाय, सी यू वेरी सून।